नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 24। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ क्यों नहीं बढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वह किसी व्यक्ति के चलते या किसी पद की लालच में कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा। जितिन प्रसाद ने यह भी कहा कि कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच संपर्क टूट गया है, मतलब पार्टी अपने गिरते ग्राफ पर ध्यान नहीं दे रही है। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संपर्क सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम किया है और उनका परिवार 3 पीढ़ियों से कांग्रेसी पार्टी से जुड़ा रहा है। प्रसाद ने भाजपा में शामिल होने के बाद इसे देश की एकमात्र सच्ची पार्टी करार दिया है। भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि उन्होंने किसी व्यक्ति या किसी पद के लिए कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा, बल्कि पार्टी और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच संपर्क टूट गया था, मतलब पार्टी अपने गिरते ग्राफ पर ध्यान नहीं दे रही थी, कारण या फैसला लिया। जितिन प्रसाद कांग्रेस के उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठनात्मक बदलाव की मांग की थी। उन्होंने पार्टी छोड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोष नहीं दिया। न्यूज एजेंसी प्रेटू की एक मुलाकात में जितिन प्रसाद ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति के चलते या किसी पद के लिए नहीं छोड़ी। कांग्रेस छोड़ने के कारण यह था कि पार्टी और लोगों के बीच में आपसी संपर्क टूट गया था। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का वोट ग्राफ काफ़ी कम हो जा रहा है, ग्राफ पार्टी का वोट प्रतिशत काफ़ी कम हो रहा है और इसे पार्टी और इसे पटरी पर लाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने का उनका निर्णय काफ़ी चर्चा और विचार विमर्श के बाद लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने लोगों, अपने राज्य और राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। कांग्रेस में रहते हुए वह अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में एकमात्र संस्थागत राष्ट्रीय पार्टी है। बता दें कि सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में समूह में शामिल कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने जितिन प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनका भाजपा में जाना प्रसाद की राजनीति का निजी लाभ है। तो दोस्तों, ऐसी ही खबरों को देखते के लिए देखते रहिए न्यूज़ 5 24।